जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल बंगाल डिफेंस अकेडमी में आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे 30 दिन के अंदर कैसे आपको 1600 मीटर का टाइमिंग 5:30 करना है। तो आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पूरा वीक बाई वीक, मतलब 4 वीक का या 4 वीक का ट्रेनिंग शेड्यूल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर अपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो भाई, अगर आप आर्मी के रैली में जाते हो या 1600 मीटर का कोई भी रेस में जाते हो, तो आप हर वक्त आपका टाइमिंग अच्छा नहीं होता। और अगर आप आर्मी भर्ती में जाके आपका फास्ट घूम नहीं लगता, तो ये वर्कआउट आपको ज़रूर फॉलो करनी है। कि तो भाई, आज आपको जो 1600 मीटर का रनिंग वर्कआउट दूंगा, ये आपको हर रोज़ करना है, नहीं कोई गैप नहीं देना है, ठीक है। तो वीडियो को मतलब बिना स्किप किए देखना, क्योंकि फर्स्ट जब आप रनिंग करते हो, आप रनिंग करते हो तो आपका ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक का वर्कआउट सुनिए। फर्स्ट वीक आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वीक आपको 5 किलोमीटर डेली लगाना है फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक आपको 5 किलोमीटर कैसे लगाना है ये भी सुन लीजिए। 5 किलोमीटर लगाना है, आप स्टार्टिंग करते हो तो उसी टाइम पर आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जब आपका बॉडी गर्म होगा, उसके बाद आपका जो स्टेमिना बढ़ेगा और आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड आएंगे, तब आपका टाइमिंग भी घटेगा। तो आपको फर्स्ट में क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट 7 डेज आपको सुबह 5 किलोमीटर लगाना है पूरा स्लो से फर्स्ट तक, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सुबह। इसके बाद आपको इवनिंग में करना क्या है, इवनिंग में आप जब मार्ट में जाओगे तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, 4 चक्कर स्लो फर्स्ट करना है। मतलब 2 चक्कर स्लो लगाना है फर्स्ट, और 2 चक्कर फर्स्ट लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको स्टेयर लगाना है, 100 मीटर का स्टेयर लगाना है, क्योंकि फर्स्ट डे में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। 4 100 मीटर का स्टेयर लगाना है, इसके बाद आपको पूरा छोड़ देना है फर्स्ट डे। आप सेकेंड डे में आपको क्या करेंगे, सेकेंड डे में आपको इवनिंग में आपको पूरा 5 10 जितना हो सके आपको, उसके बाद आपको बढ़ाना चाहिए, हर दिन आपको 2-2 करके बढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वीक का वर्कआउट। तो भाई, आपको सेकेंड वीक का एक्सरसाइज बताता हूँ। सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, सुबह 5 किलोमीटर आप फर्स्ट वीक में मारते थे, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा 1 महीने में स्टेमिना आपको 5 वीक मतलब उस लेवल तक, मतलब आर्मी रैली का फर्स्ट ग्रुप लेवल तक आपको ले जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसी टाइम आपको क्या करना चाहिए कि 5 किलोमीटर के बाद आपको 7 8 ऐसे करके आपको किलोमीटर लगाना है, टाइमिंग थोड़ा कम कम ऐसे ही आपको स्लो करके ही जाना है, क्योंकि आपका स्टेमिना इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होता। आपको ऐसे करके स्लो रनिंग करने के वजह से आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। और इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको 200 स्लो 200 फास्ट 200 स्लो 200 फास्ट हर डे इवनिंग में आप जाएंगे। 400 मीटर लगाने के बाद, मतलब 400 मीटर का 4 चक्कर लगाने के बाद आपको क्या करना है, 200 स्लो 200 फास्ट 200 स्लो 200 फास्ट ऐसे करके आपको रनिंग करना चाहिए, क्योंकि स्लो फास्ट करने से आपका स्टेमिना इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और इतना ज़्यादा स्टेप खुलेंगे कि आपको खुद पता चल जाएंगे, यार मेरा ऐसे कैसे रनिंग में स्पीड आ गया। और डेली आपको क्या करना चाहिए, पुशअप और एक्सरसाइज आपको हर टाइम पे, क्योंकि रनिंग के पहले जो एक्सरसाइज करना चाहिए, मेरे अगर आई बटन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको रनिंग से पहले कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और रनिंग से बाद कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, पूरा एक्सरसाइज मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको देख लेना चाहिए। और हर वीक में आपको 3 डेज ABC रनिंग ड्रिल करना चाहिए, और स्टेप खोलने का जो एक्सरसाइज होता है वो भी आपको दिखाऊंगा, मैं जल्दी लेकर आऊँगा अपने वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको बताएंगे 3rd नंबर वीक, तो 3rd नंबर वीक में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सुबह वर्कआउट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप सुबह सिर्फ रनिंग स्लो रनिंग करते हो, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सुबह स्लो रनिंग के बाद मतलब 7 8 किलोमीटर लगाने के बाद आपको उसके बाद 100 मीटर का स्ट्राइड लगाना है हर दिन आपको 5 या 10 लगाना है सुबह, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में जाओगे तो 400 और 600 का आपको स्पीड मारना है। 400 और 1600 आपका कितना एक लैप में या 400 में कितना टाइमिंग आ रहा है आपको खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और 1600 मारने के लिए आपको 400 मीटर लगाने के बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप 400 के मारने के बाद 600 लगाना है, ठीक है। 600 आपको कैसे लगाना है,
400 मारना है, 200 मीटर लास्ट 200 मीटर फुल स्प्रिंट लगाना है, क्योंकि 600 मारने का फायदा यही होता है आपको, जब आपका रैली का लास्ट फिनिशिंग रहता है तो उसी टाइम में आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि थर्ड नंबर चक्कर खत्म होने के बाद आपको जब लास्ट नंबर चक्कर आता है तब आप 200 मीटर आने के बाद आपको 200 का या 300 का स्प्रिंट मारना है, फुल दम तक खींचना है आपको, ठीक है। ऐसी करके आपको पूरा थर्ड वीक आपको खत्म करना है, और पूरा वीक का शेड्यूल मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, कौन सा एक्सरसाइज कितने बार करना चाहिए, ठीक है। अब आता है लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, 1600 लगाना है, 1600 वीक में आपको ज़्यादा नहीं 3 1600 मारना है, ठीक है। सुबह आप जो वर्कआउट करते हो वो आपको पूरा फुल मारना है, ठीक है, पूरा फुल, मतलब कोई स्लो से फास्ट नहीं और कोई फास्ट से स्लो नहीं, पूरा आपको सेम स्पेस में स्पेस रनिंग करना है सुबह, ठीक है। स्पेस रनिंग मतलब 5 किलोमीटर आपको 20 मिनट या 21 मिनट या 18 मिनट 19 मिनट आपको जितना टाइम हो सके आपको लगाना है पूरा, ठीक है। कोई आपको कमी नहीं रहना चाहिए रनिंग में टाइम में, तब जाके आपका रनिंग आएगा 5:30 के अंदर, ठीक है। अब इवनिंग में आपको क्या करना चाहिए, इवनिंग का आपको डेली वर्कआउट जो आपको स्ट्रेचिंग वगैरह होते हैं, क्योंकि आप ये वर्कआउट करोगे तो आपको पूरा हार्ड होगा, तो आपको पाव दर्द होगा, तो ऐसे करके आपको सीन पेन भी आ सकता है, तो सीन पेन का एक्सरसाइज भी बना चुका हूँ, तो वीडियो को जाके देख लेना, आई बटन पे आपको सब कुछ वीडियो जो मैं प्रेफर करता हूँ, और आपको पुल अप नहीं उठता तो ये भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो आप फोर्थ वीक में आपको यही सब करना है, और इवनिंग में आपको फोर्थ वीक का इवनिंग में आपको क्या करना है, कंपटीशन करना है आपको, ठीक है। कंपटीशन में ज़्यादा स्पेस खुलता है, ठीक है। कंपटीशन आपको आपके साथ 6-7 लड़का ऐसे ही होना चाहिए जो आपसे ज़्यादा दौड़ता है, ठीक है, मतलब आपके पीछे दौड़ता है कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा मतलब उनके साथ कंपटीशन करना है हर दिन, ठीक है। पूरा ये वीक आपको लास्ट फोर्थ वीक आपको कंपटीशन करके करना है, ठीक है। कंपटीशन करोगे जितना ज़्यादा कंपटीशन करना है आपका स्पीड बढ़ेगा और आपको रनिंग में टाइमिंग कम करने का मौका मिलेगा। तो यही कुछ एक्सरसाइज करना था आपको पूरा 30 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आपको यही एक्सरसाइज करना है पूरा 4 वीक में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, और किसी भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर आप टच करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।